एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने शहर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से अपील किया है कि महानगर में प्रतिदिन प्रमुख स्थानों पर शिविर लगाकर कोरोना की जांच कराई जा रही है। इसके अलावा 5 जगहों पर मोबाइल वैन के माध्यम से कोरोना की जांच कराई जा रही है। एसडीएम सदर ने बताया कि इसी क्रम में 13 सितंबर को महानगर के जाफरा बाजार, पीएचसी बेतियाहाता, पीएचसी झरना टोला स्कूल, सिविल लाइन्स, ऐसे कुल 22 जगहों पर कोरोना के जांच शिविर लगाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का लक्षण दिखाई दे तो जांच शिविर पर पहुंचकर निःशुल्क कोरोना की जांच कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शहर में लोग 22 जो हमारे केंद्र हैं, जैसे रामदेव इंटर कॉलेज है, जाफरा बाजार में दीवान बाजार है, सिविल लाइन्स है, पीएससी बेतियाहाता है, पीएससी झरना टोला का गिरधरगंज स्कूल है, तो इसी तरीके से लगभग 22 अलग अलग जगहों पे ये कैंप लगाया जा रहा है और इसकी सूची तहसील सदर गोरखपुर फेसबुक पेज के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आप लोगों के माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि कोरोना से ना घबराएं, सुरक्षा बरतें। अगर किसी को कोरोना फिर भी हो जा रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से जल्दी उस कोरोना की जांच करवाकर अपने को आइसोलेट कर लें और 3 से 4 दिन में कोरोना चला जाएगा। लेकिन जो लोग इसको छुपाएंगे वो ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकल के आएँ। प्रशासन की अभूतपूर्व पहल है, हर जगह हम कैंप लगा रहे हैं, हर जगह आपके पास पहुंच रहे हैं। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर इस कोरोना की जांच को करवाएं और इस जंग को लड़ने में हमारा साथ दें।